वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। यहाँ पे हम लोग कल पढ़े थे कि आपका जो भारत का लैटिट्यूड यानी अक्षांश है वो कहाँ से कहाँ तक का है विस्तार, है ना। उसी तरीके से हम लोग पढ़े थे कि भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, जो कि हम लोग बता चुके हैं पिछले वीडियो में। पहला वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का वही है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ईस्ट ही क्यों कहते हैं देशांतर को, भारत का जो भी देशांतर है उसका नाम ईस्ट क्यों पड़ता है, भारत का जो भी अक्षांश है लैटिट्यूड है उसका नाम नॉर्थ नॉर्थ क्यों पड़ता है, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो 37°6 जम्मू कश्मीर वाले को भी हम नॉर्थ कहते हैं, और तमिलनाडु जो कि साउथ में है तो उसका भी जो लाइन वहां से गुजरता है उसको भी हम क्या कहते हैं, 8°4 नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट को भी 6°4 नॉर्थ कहते हैं, जबकि इंदिरा पॉइंट साउथ में, साउथ इंडिया में पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 0° इक्वेटर से ऊपर है इसीलिए कहते हैं, सारा हिस्सा ही भारत का ऊपर है इसीलिए कहते हैं। तो इसी को हम अच्छे से समझाए हैं पिछले वीडियो में। आप लोग अगर उस वीडियो को आराम से देखेंगे, थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अभी अब हम लोग को केवल और केवल फैक्ट्स जो है उसी को पढ़ना है यहाँ पे, और उसको याद करने का कोशिश करना है। वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे जो है आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ अगर दिख रहा होगा, अगर कैमरा में, कैमरे के पीछे कोई नहीं है अभी, तो आप लोग देख लीजिए, और नहीं दिख रहा है अगर तो हम तो बता ही रहे हैं। चलिए देखिए, अब सबसे पहला बात है कि ये जो इंडिया है इसका आखिर एरिया कितना है बताएगा, है ना। तो वहां लिखा भी हुआ है और ये आप लोग देख भी लीजिए, 32,87,263। जैसे हम लोग फोन नंबर याद करते हैं वैसे ही इसको याद कर लेना है, ठीक है। 32,87,263, ठीक है, 32,87,263, 32,87,263, 32,87,263, ऐसा करके याद कर लेना है। इतना किलोमीटर स्क्वायर में आपका पूरा का पूरा इंडिया फैला हुआ है। अगर हम इंडिया के लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई कुछ यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के, अब जम्मू कश्मीर कहना गलत होगा, लद्दाख कहिए, लद्दाख से लेकर के और कन्याकुमारी के बीच तक का जो रीजन है इसके लंबाई की हम बात करते हैं भारत के, तो वो कितना है बताइए, 3214। तो आपका जो क्षेत्रफल है वो भी 32 से शुरू होता है और ये भी 32 से ही शुरू होता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई जो है यानी नॉर्थ से साउथ का जो लंबाई है वो 3214 है, 3214 है। उसी तरीके से भारत का जो चौड़ाई है जो कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात का कौन सा हिस्सा पिछले वीडियो में बताए हैं, उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु और पूर्व वाला बिंदु, पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये सब बता दिए हैं। आप लोग पिछले वीडियो को देखिए, वहां से क्वेश्चन आता है। चलिए आगे समझते हैं। ये जो है ये चौड़ाई है भारत का जो कि गुजरात से शुरू होगा और अरुणाचल प्रदेश पे खत्म होगा, ठीक है। तो ये चौड़ाई कितना है, भारत का जो चौड़ाई है वो कितना है, तो आप लोग कहेंगे कि ये 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर है। जिस तरीके से हम लंबाई बताए हैं, लंबाई कितना है तो 3214 किलोमीटर है, वैसे ही चौड़ाई आपका इतना है, क्लियर है। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे भारत का बाउंड्री कितना बड़ा है, भारत का बाउंड्री कितना बड़ा है। तो इसको जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भारत में कौन कौन से बाउंड्री हैं, ठीक है। हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, भारत में आखिर कौन कौन से बाउंड्री हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत नीचे से पानी से घिरा हुआ है, जबकि अगर हम ऊपर के इंडिया की बात करते हैं, अगर हम ऊपर के इंडिया की बात करते हैं, सही हम बनाए हैं, हमको बिल्कुल बनाने नहीं आता है, आप लोग बात समझिए। देखिए, अगर हम ऊपर के इंडिया की बात करते हैं, अगर हम ऊपर के इंडिया की बात करते हैं तो फिर आप लोग बताएंगे हमको, फिर आप लोग बताएंगे कि ये जो ऊपर का इंडिया है ये सारे जगह पे गुजरात से लेकर के इधर, गुजरात के नीचे वाला तो पानी है, गुजरात के नीचे खंभात की खाड़ी ये सब स्टार्ट हो जाता है, है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे कहते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो वाला तो पानी का इलाका है, बट इतना रीजन जो है इस रीजन में तो लैंड मास है, है ना। तो यानी कि ये क्या है, भारत जो है लैंड बाउंड्री बनाता है,
स्थलीय सीमा बनाता है किसके साथ, इस पूरा इलाका में भारत क्या बनाता है, लैंड बाउंड्री बनाता है यहाँ तक, और फिर इसके बाद यहाँ से पानी, क्लियर है। और इस पूरे इलाका में भारत क्या बनाता है, जलीय सीमा बनाता है, वाटर बाउंड्री शेयर करता है लोगों के साथ, ठीक है। यानी भारत कितने तरीके का बाउंड्री बनाता है, दो तरीके का, ऊपर में लैंड बाउंड्री बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है, जबकि नीचे में वाटर बाउंड्री यानी जलीय सीमा बनाता है। तो इस पे चर्चा करते हैं। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो आपका भारत कितना लंबा लैंड बाउंड्री बनाता है, तो यहाँ से नाप के यहाँ तक पहुंचते हैं, तो पहुंचने में यहाँ तक नीचे तक है ना, क्योंकि बंगाल भी जो है पश्चिमी बंगाल का कुछ हिस्सा तो आपका किससे जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश क्या है, नदी है, पानी है नहीं है, वो तो एक लैंडमास है, ठीक है। तो ये पूरा इलाका जब हम लोग नापते हैं रस्सी से तो पता चलता है कि वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। मगर आपको पता है कि कुछ इलाका जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के वजह से। यानी कहने का मतलब है कि हम कुछ इलाका जो है लैंड को सीधा करने के लिए, बॉर्डर को बांग्लादेश के पास बॉर्डर को सीधा करने के लिए कुछ इलाका मोदी जी इधर दे दिए हैं। तो जो गृह मंत्रालय है वो जो रिपोर्ट लाया है उसमें जो लैंड बाउंड्री बता रहा है कि पूरा स्थलीय सीमा हमारा कितना है, तो वो 15,106 किलोमीटर बता रहा है। होम मिनिस्ट्री कितना बता रहा है, 15,106 किलोमीटर बता रहा है। यहां तक का आपका क्लियर है क्या, लैंड बाउंड्री आप लोगों का क्लियर है। तो अब बताइए जलीय सीमा कितना है, तो ये जो जलीय सीमा है या वाटर बाउंड्री है ये कितना है, तो ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर को, लैंड बाउंड्री को, तो आप बताइए अगर हम किसी स्थल पे चलेंगे तो हम पैदल चल सकते हैं, चाहे पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान जाना हो या पाकिस्तान से इंडिया जाना हो, गाड़ी से भी आ सकते हैं। मगर अगर हमको आने दिया जाए तो हम पैदल भी जा सकते हैं, इसके लिए ना तो हवाई जहाज का जरूरत है और ना ही हमको पानी वाला जहाज, पानी तो है नहीं कि पैदल चल नहीं सकते हैं, क्लियर है। तो याद रखने का तरीका है कि क्योंकि ये स्थलीय सीमा है तो यहाँ पे हम प से 15 है, 15 से पैदल, तो हम पैदल चल सकते हैं। ये जो 15,200 किलोमीटर है हम ये सफर पैदल तय कर सकते हैं, तो पैदल से 15। लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और जो आपका पानी वाला बाउंड्री है वो कितना बना रहा है, तो पानी वाला बाउंड्री 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। बट फिर वही बात, तमिलनाडु तक तो भारत का मेन लैंड मुख्य भूमि है। पूरा अंडमान निकोबार वाला इलाका का इधर अगल बगल कितना लैंडमास जो है, इधर अगल बगल कितना आप वाटर से बाउंड्री बना रहे हैं, जैसे समझिए, देखिए यहाँ पे ये तो 6100 किलोमीटर किसका है, 6100 किलोमीटर तो केवल तमिलनाडु तक का है ना, यहां से लेकर के गुजरात वाला रीजन से लेके बंगाल तक में 6100 किलोमीटर। बट बताइए उसके अलावा भी तो भारत है, इधर भारत है जिसका नाम अंडमान निकोबार है, इधर जो भारत का हिस्सा है उसका नाम लक्षद्वीप है। तो ये दोनों जो एरिया है ये दोनों भी तो वाटर बाउंड्री बना रहा है, तो आखिर कितना दूर में बना रहा है, तो आपको बता दें कि इन दोनों इलाकों को मिला करके जो हम लोग बाउंड्री बनाते हैं पूरा का पूरा, इस 6100 को मिला करके, देखिए इस 6100 किलोमीटर को मिला करके जो हम लोग जलीय सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा वाटर बाउंड्री 6100 किलोमीटर का, तो मेन लैंड से बनाते हैं, मुख्य भूमि से बनाते हैं 6100 किलोमीटर का। इसके अलावा कितना बनाते हैं बताइए, तो प्लस लक्षद्वीप का भी कुछ एरिया है, तो प्लस हम लक्षद्वीप कर देते हैं, और प्लस अंडमान निकोबार का भी कुछ एरिया है तो प्लस अंडमान निकोबार कर देते हैं, और ये तीनों को मिला करके, मेन लैंड प्लस लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार को मिला करके जो हम जलीय सीमा बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, 7,516.6, ठीक है, पूरा टोटल 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार मिला करके वाटर से कितना बाउंड्री बनाता है, तो आप कहेंगे कि भाई टोटल मिला के 7,516.6 किलोमीटर है, और सिर्फ अगर हम तमिलनाडु तक की बात करें, इस रीजन की बात करें, तो इतना दूर में 6100 किलोमीटर बना लेता है। यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कितना ज्यादा जोड़ रहा है इसमें, तो चुपचाप से हम 6100 किलोमीटर को घटा देंगे तो आएगा 6, 6, 1, 4, 1,
यानी ये दोनों मिला करके 1416.6 किलोमीटर एरिया बनाता है। क्या बनाता है? जलीय सीमा बनाता है। टोटल कितना बनाता है? भारतीय द्वीप टोटल आइलैंड जो ये दोनों हैं, ये कितना बड़ा बाउंड्री बनाते हैं? वाटर बाउंड्री दोनों मिला के 1416.6 किलोमीटर का बनाते हैं, क्योंकि 6100 किलोमीटर का तो केवल तमिलनाडु और ये पूरा रीजन मिलके बना लेता है वाटर बाउंड्री, और इसके अलावा ये दोनों मिल करके कुछ बनाते हैं, और जिससे कि हम लोगों के भारत का पूरा जो जलीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर है? क्या यहां तक का क्लियर है? तो आपका ये दोनों ही बात हम समझाने का कोशिश किए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताएंगे कि भारत कौन कौन से देशों से जुड़ा हुआ है। बताएंगे कि भारत आखिर कौन कौन से देश से जुड़ा हुआ है, ये बात अब बताना है। और एक बात है कि जो एरिया है इंडिया का, जो कि 32,87,263 है, तो ये एरिया पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है? मतलब भारत के पास जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? 2.42% है, 2.42% है। याद रखना है ये सब फैक्ट जो है पूछता है, ऐसे नहीं है कि बस मजाक करने के लिए दिया हुआ है, पूछता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ कुछ और बात, जैसे कौन कौन सा जो है देश बाउंड्री बनाता है भारत के साथ। आप लोग बताएंगे कि स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री कौन कौन सा देश भारत के साथ बनाता है। तो इसका एक ट्रिक है, उसको ध्यान से समझना है। बच्ची पाकिस्तान ने माना, भूटान अफगानिस्तान, ये इसका ट्रिक है। देखिए अगर किन्हीं के पास और इससे भी बेहतर ट्रिक है तो वो लोग वही लगाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हम ऐसे याद किए थे तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो ब से क्या होगा? बांग्लादेश। ची से क्या होगा? चीन। पाकिस्तान का पाकिस्तान। ने से नेपाल। ने माना मतलब नहीं माना, बच्ची पाकिस्तान नहीं माना, भूटान अफगानिस्तान। माना से म्यांमार, भूटान से भूटान, और अफगानिस्तान से अफगानिस्तान। तो आप बताइए कितने लोग हो गए? तो पहला इंसान ये हुआ पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश, और फिर ये चौथा देश हुआ, और ये आपका नंबर पे 5, ये 6 और ये 7। टोटल कितने देशों से भारत स्थलीय सीमा बनाता है, लैंड बाउंड्री बनाता है? तो 7 देशों से बनाता है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो हम लोग पैदल कवर कर सकते हैं 15,200 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि भारत कितने देशों से जलीय सीमा बनाता है, वाटर बाउंड्री बनाता है, तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि अगर पूरा पूरा वाटर बाउंड्री बताया जाए तो सिर्फ और सिर्फ अगर तमिलनाडु तक का ले, यानी लैंड मास का ले, केवल मुख्य भूमि का ले, मेन लैंड का, तब केवल दो लोग हैं ऐसे, एक इंसान ये है ना, इसके साथ बनाता है ना, श्रीलंका के साथ, है ना, बात समझ में आ रहा होगा, श्रीलंका के साथ बनाता है, और आप कह सकते हैं बांग्लादेश के साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी इधर जो है थोड़ा सटा हुआ है, है ना। न्यू मोर आइलैंड एक आइलैंड है, न्यू मोरे द्वीप, न्यू मोरे द्वीप पे हर वक्त बांग्लादेश और हमारा भारत सरकार दोनों लोग मिलकर के झगड़ा करते रहते हैं, मेरा है मेरा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो द्वीप जो है दोनों के एरिया में पड़ता है, यानी कि बांग्लादेश भी जो है वो किसके साथ बाउंड्री बनाता है? जलीय बाउंड्री। जलीय बाउंड्री माने वाटर बाउंड्री, ठीक है, जलीय सीमा बनाता है भारत के साथ। तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसके अलावा अगर हम म्यांमार वगैरह, सॉरी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सबको मिला ले, तो और भी कई सारे लोग हैं जो हमारे साथ बाउंड्री बनाते हैं, वाटर बाउंड्री, जैसे मालदीव्स, लक्षद्वीप के पास ही है मालदीव्स, है ना। जैसे इंडोनेशिया, सुमात्रा से नजदीक पड़ता है इंडोनेशिया,
है ना, सॉरी सुमात्रा कह रहे हैं, निकोबार से, निकोबार से नजदीक पड़ता है सुमात्रा ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। उसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार, ये सब भारत से बाउंड्री बनाते हैं। कैसा बाउंड्री? स्थलीय, जलीय, जलीय वाटर बाउंड्री, ठीक है, जलीय बाउंड्री बनाते हैं। क्या यहां तक का आपका क्लियर है? तो हम आगे बढ़े। अब बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जो कि जलीय यानी कि वाटर बाउंड्री और स्थलीय यानी कि लैंड बाउंड्री दोनों भारत के साथ बनाता है? तो ऐसा है पाकिस्तान बम, पाक बम। पाकिस्तान बार बार पे बम फड़ाका फेंकते रहता है, तो पाक बम। पाक से पाकिस्तान, ब से बांग्लादेश, म से म्यांमार, ये तीन ऐसे देश हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री भी बनाते हैं और साथ के साथ आपका जो है वो वाटर बाउंड्री भी बनाते हैं, ठीक है, वाटर बाउंड्री भी बनाते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाक बम, ठीक है। किसका बम? पाक का बम, ठीक है। तो वही चीज, तो पाकिस्तान बम फेंकते रहता है, उसी पे ये बनाए हैं हम। चलिए, अब ये पूरा जब क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा और बात करेंगे, और इस वाले बात में हमको क्या बात करना है उसको समझते हैं। ये केवल याद करने का चीज है, यहाँ पे कुछ नहीं समझने वाला है, याद करना है और अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, इसके बारे में। ये जो है ना बच्ची पाकिस्तान, नैमाना, भूटान, अफगानिस्तान, ये कौन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, भारत के कौन कौन से राज्य से ये लोग बाउंड्री बना रहा है, इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हम लोग एक ट्रिक बनाया है, मित्र मेघ और सम बंगाल, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग पूरा का पूरा याद कर लेंगे ये सातों देश कौन कौन से राज्य से बाउंड्री बना रहा है, क्वेश्चन आता है, फिर हम बताएंगे कि सबसे बड़ा बाउंड्री है किसके साथ शेयर करता है, और उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और पूरा इंडियन ज्योग्राफी खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ के साथ चैनल को शेयर कीजिए, अपने अपने व्हाट्सएप वगैरह पे लगाइए, जो करना है कीजिए, प्रमोट कीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरा बिहार दरोगा का तैयारी इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। एसएसटी साइंस लूसेंट मॉडल, एसएसटी साइंस एनसीईआरटी अप टू 10 क्लास और अप टू 8 क्लास आपका मैथ्स यहीं पे होगा। चलिए, यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, थैंक यू।